वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नवी सवेर का नवा सुनेहा। कायम रहिए, खुश रहिए, चढ़दी कला च रहिए, अपने आप नूं उत्साह विच रखिए। जिंदगी विच दुख सुख आउंदे रहिंदे ने, कायम हो के उन्हां नूं फेस करना सिखिए। नवी सवेर के नवे सुनेहे विच अज मैं गलबात करन लगा। पिछले दिनों विच जिन्ने मैं सुनेहे पाए है, अमरीका तो पाए है, ना उत्थे टीम सी, ना उत्थे प्रॉपर सैटअप सी, पर मैं वापस परमेश्वर द्वार एमरजेंसी विच आया हाँ। तो जिहड़ा मैं सुनेहा बना रहा, यह मैं 8 सितंबर नूं बना रहा। शाम का टाइम है, तो 9 सितंबर नूं ये सुनेहा जिहड़ा पैना। वापस आउण दा कारण सारियां नूं पता है कि मेरे माता जी पिछले दिनां विच उन्हां दी डैथ हो गई है। मैनूं एमरजेंसी अमरीका तो आउणा पिया। उत्थे असीं एक कैंप रखिया होया सी मैंटल हैल्थ दे उत्ते, माइंड रीसैट करन वास्ते, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस विच कीता है। तो मैं चाहुंदा सी मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भैण भरा कर लैन, पर मजबूरी बस कैंप तो बिल्कुल उसे टाइम जिस वेले कैंप स्टार्ट होना सी, उसे वेले मैनू न्यूज मिली कि मेरे मदर ज़्यादा सिक ने। डॉक्टरां नूं मैं पुछया मैं इंडिया आवां जां ना आवां, कहिंदे आ जाओ। मैं समझ गया सी, मैंटली मैं प्रिपेयर्ड हो गया सी कि मैनू इस माहौल नूं फेस करना पैना। मैं जिहड़ी गल आप जी नूं अज दसणी है उह इह है, मैं बार वी गल करदा सी कि लोकां दी जिंदगी विच कई वारी चार औरतां आउंदियां, कईआं दी जिंदगी विच तीन आउंदियां, कईआं दी जिंदगी विच दो ही आउंदियां। पहली औरत लाइफ विच आउंदी है तुहाडी मां, दूसरी औरत किसे किसे दी आउंदी है उहदे घर भैण हुंदी है भैण दे रूप विच, तीसरी औरत आउंदी है तुहाडी घरवाली जिहदे नाल तुहाडा विआह हुंदा है, ते चौथा रिश्ता आउंदा है औरत दा तुहाडी बेटी, जो कि तुहाडे शरीर दे रिश्ते ने, खून दे रिश्ते तुहाडे बन जांदे ने। माँ दा, भैण दा, धी दा, ते एक विआह के आई घरवाली तुहाडी, चार रिश्ते तुहाडी जिंदगी च आउंदे ने। मेरा मेरी माँ नाल प्यार सी क्योंकि मेरी जिंदगी विच माँ सी औरत दे रूप विच, भैण मेरी है नहीं कोई, असीं दो भरा ही हाँ, ते विआह होया नहीं, कोई होर औरत जिंदगी विच नहीं आई। जदों विआह नहीं होया तो फिर बेटी दे रूप विच भी कदे किसी औरत ने नहीं जिंदगी च नहीं आना। सो इस करके जिन्ना क प्यार, जिन्ना क स्नेह, जिन्नी क अटैचमेंट हुंदी है, जो खून दे रिश्ते की मैं गल करदा, एको ही रिश्ता बचदा है माँ का। तो मैं अपनी माँ नाल बेहद प्यार करदा सी। मैनू याद है कि जदों भी मैं शाम दे वक्त इत्थे बैठदा तो उन्हां नूं मैं फोन जरूर करदा, सेहत किस तरह है, परिवार किवें है, मैनू उन्होंने कहना मैं ठीक हाँ। तो मेरा भी बहुत उन्हां दा, उन्हां नूं मेरा हर वेले फिक्र रहिंदा सी। मैं पिछली बार भी 2 महीने अमरीका लाए, इस बार भी मैं 2 महीने अमरीका लाए। मैनू दोवें वारी उन्होंने कहा कि बाबा जी तुसी इन्ना टाइम ना लाया करो, बाबा जी छेती आ जाया करो। सो इस बारी ढिले हुए, कारण की बनिया 25-26 तरीक दे नेड़े तेड़े पेन होया बांह विच, सारा घर का काम करके दुध रिड़क के जिम्मेवारी निभा के फिर गए हॉस्पिटल। मेरा जथेदार सिंह उन्होंने लेके गया, डॉक्टर कहिंदे सानू लगदा है तुहानू अटैक आया, माइनर जिहा अटैक आया,
चैक करना पैना। चैक किया कहिंदे जी इंजोग्राफी करानी पैनी है। इंजोग्राफी की कहिंदे जी तुहाडियां तीन नाड़ियां ब्लॉक ने, मेरे नाल फोन ते गल करदे ने। मैं कहा मम्मी ये कह रहे ने नाड़ियां ब्लॉक ने ते स्टंट पाने पैणगे पवा लो। कहिंदी ठीक है, जिवें कहिंदे हो बाबा जी कर लैंदे आ। स्टंट पवाए, ठीक हो गए। मेरे नाल फेस टाइम ते गल कीती, मैं चंगी भली हाँ, चुप नहीं सी करदे, लगातार बोली जांदे सी सब नाल, रिश्तेदारां नाल। मेरा सुभाव उन्हां वर्गा ही है, मैं भी चुप नहीं करदा, मैं सेम अपनी माँ वर्गा। नेचर वाइज मैं उन्हां वर्गा। ते घर आए, इन्फेक्शन हो गई, फिर हॉस्पिटल लेके गए। इन्फेक्शन नहीं कटी, बस 26 तरीक तो लैके 6 तरीक आ गई, फिर चंडीगढ़ लैके चले गए। इन्फेक्शन वधदी गई, आखिरी दम तक बोलते रहे, लास्ट थोड़ा टाइम नहीं बोले। ऑक्सीजन लग गई, वेंटीलेटर लग गया, ते 6 तरीक नूं छड गए। मैं अज घर गया अपने, कल जदों ये नवीं सवेर दा नवां सुनेहा तुसी सुनोगे, समझ लो 9 तरीक नूं, ते उदन असी उन्हां दा संस्कार करना। गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार साहिब विखे असी एक थड़ा बनाया है, संस्कार करांगे, फिर ढा देंगे, फुल चुगांगे, उत्थे दरख्त ला देंगे, सारा कुछ दब के उत्ते एक दरख्त ला देंगे बोर्ड दा, मां दी याद विच। तो मैं जो तुहानू कहना चाहुंदा वो ये है कि मैं बड़ा हैरान हाँ कि मैं सारा कुछ फेस कर रहा, तो मेरा माइंड बैलेंस, मैं माइंड रीसैट करके ये सीखिया कि दुख है। ये नहीं कि मैं रोया नहीं, पहले दिन पता लगा मैं रोया, मैं जहाज च भी रोया, मैं बाथरूम च वड़ के रोया, पर मैनू ये पता सी कि मेरे सामने एक सिचुएशन आनी है, एक दिन दो दिन मैं उन्हूं उस चीज़ नूं फेस करना, ते मैं उन्हूं फेस करन वास्ते अपने माइंड नूं तैयार किया। कमाल की गल है, मैं कैंप कैंसल किया, नाल ही मैं कैंप दियां अगलियां डेटां रख लिया। मैं तैयारी करके आया, मैं फिर आवांगा, मेरे सामने एक सिचुएशन है, मैं इनू हैंडल करना। अगे की हुंदा हुंदा सी, प्रॉब्लम आ गई, बस स्टक ब्रेन, होर कुछ दिमाग च आना ही नहीं, दिमाग डेड। हुणे पता है भी एक मुश्किल मेरी जिंदगी च आई है, जिद्दां आई है इन्हें चले जाना। ये नहीं कि मैं बड़ा, मेरा लोहे का दिमाग है, मेरे अंदर मोह नहीं, नहीं, बहुत प्यार, मैनू पता है मैं किवें निजिठांगा, लांबू लावांगा, मैनू पता किवें। पर मैं ये सीखिया है, तुसी अपने माइंड नू ट्रेंड करो, तुसी इहदे नौकर नहीं, ये तुहाडा नौकर। तुसी कुछ इहनू सुनेहे दिओ, जे मैं तुहानू सुनेहे दिंदा ना रोज़, तुसी अपने आप नू कुछ सुनेहे दिओ, कुछ तैयारियां करो। तुहाडा ब्रेन एक कुत्ते वर्गा है, ट्रेंड करो इहनू माइंड, तो हो जाएगा ट्रेंड। कोई दुनिया की मुश्किल नहीं जिन्हों तुसी नजिठ नहीं सकते। एक संस्कार बाबा करम सिंह जी का, जिन्हां ने मैनू इस रूप च लिआंदा, उन्हां दा नहीं मैं भुलना, एक अपनी मां दा। पर जे आया है ते करना पैना, सप्रेस नहीं करना, नहीं
रोना आया तो रो लो, हासा आया तो हस लो, पर स्टक ना हो, ब्रेन उत्थे तुहाडा खड़ना नहीं चाहिए। जिंदगी बहुत कुछ का ना है, एक चीज़ का ना नहीं। जिन्ना चिर सह चलते ने बहुत कुछ फेस करना पैंदा है, ते कर लेना आपा कर लेना, तैयारी रखियो, सब कुछ चल लेना, बर्दाश्त कर लेना। सो रही गल मेरी मदर बारे, भोगते भी बोलांगा दसांगा, बड़ी कमाल दी परसनैलिटी सी, बहुत चंगी धी सी मापियां दी, बड़ी चंगी नूह बनी, बड़ी चंगी घर वाली बनी, फर्ज निभाउण वाली, पापा जी का बहुत ख्याल रखिया, ते बड़ी कमाल दी मां बनी, बड़ी कमाल दी सस बनी, बड़ी वधिया भैन सी, ते बड़ी वधिया भरजाई सी, ननाना नूं पुछ के वेखणा, ते बड़ी वधिया मां ते नाल बड़ी वधिया दादी, सारे फर्ज निभाए, जिम्मेवारियां निभाइयां, ते निभाउंदी निभाउंदी दुध रिड़कदी, काम करदी करदी चले गई। चलो हुण असीं फर्ज निभावांगे अपने, याद रखा आओ सारे। ते हाँ मैनू ये भी गल मैं कह दिया, मैनू हुण फील हुंदा है, मावां कई कहिंदे मेरी माँ है नहीं, मेरी माँ नूं तकलीफ है, मेरी माँ मर गई। तुसीं उन्ना चिर फील नहीं कर सकते जिन्ना चिर तुहाडी माँ जिउंदी है। जिद्दन किसी की जाएगी उद्दन फील करोगे की तकलीफ है, बहुत पेनफुल है ये समा, पर निकल जाना, निकल जाना, तकड़े रहो, मन का सहज ना खत्म करो, चढ़ती कला चलो, वेले ने नजिठांगे, दुख सुख आए ने तो आते जाते रहेंगे, चित नू टिकाने रखिए, यही तो सीखिया, यही सीखना। कायम रहो, राजी रहो, चढ़ती कला च रहो, वीडियो लाइक एंड शेयर नाल नाल करियो, बाकियों तक पहुँचायो, राजी बाजी रहना, कायम रहना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।